साथ मैं सलाम किया हूं, आप भी मोहब्बत निभा दीजिए और मोहब्बतों के साथ जवाब दे दीजिए ताकि यहां से एक रूह मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम अल्लाह ताला बरकातुहू। हर एक नजर में वही अक्लमंद होता है, वही जमाने में सबको पसंद होता है। गुरूर करने से इज्जत कभी नहीं मिलती, सलाम करने से रुतबा बुलंद होता है, सलाम करने से रुतबा बुलंद होता है। आज फैजाने ताजु शरिया कॉन्फ्रेंस के इस खूबसूरत पोस्टर पे जिन मुकद्दस उलमा और शोरा का नाम आप समाप्त किए थे, पढ़ने को मिला था आपको, वो तमाम तर शोरा और खुतबा आपके इस तैयारे मोहब्बत में तशरीफ ला चुके हैं। मेंबर रसूल पे आपके इलाके के खूबसूरत मसलके आला हजरत के सच्चे तर्जमान जिन्हें कहा करते हैं वो मुकद्दस उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ रखे हैं। खुसूसियत के साथ आज के इस जलसे का सदर, सदरे इजलास कायदे कौम मिल्लत नाशिरे मसलके आला हजरत यादगारे असनाफ हजरते अल्लामा व मौलाना अबुल हसन मिसबाही साहब किबला, उन्हें भी आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं। सदरे इजलास अपनी दुआओं से मालामाल कर रहे हैं। इंशाल्लाह सरपरस्ते इजलास भी तशरीफ ले आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके दयार में हिंदुस्तान का वो इकलौता खतीब जिन्हें खलीफे हुजूर गुलजारे मिल्लत कहा करते हैं, माशाल्लाह, खतीब आजम हिंदुस्तान हजरत अल्लामा कारी निसार अहमद साहब की मिला बुलबुले बंगाल, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। फासिले बेदुल कुरान माहिले संस्कृत हजरत अल्लामा आजम रजा चतुर्वेदी, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। इस खूबसूरत और अदबी सरजमीन पर मैं बहैसियत नाजिम तमाम तर शोरा और खुतबा का इस्तकबाल करता हूं। खैर मतलब आप जितने सामईन आ गए हैं, आ चुके हैं, मैं बहैसियत नाजिम आपके लिए अहलन व सहलन मरहबा कहते हुए आपका इस्तकबाल करता हूं। दुआ करता हूं रब्बे करीम हमारी आपकी सबकी हाजिरी को कबूल फरमा ले। आमीन आमीन कह दीजिए आप। मोहब्बतों के साथ बस वसीम अख्तर मजहरी आज आपसे कुछ मांगेगा नहीं, अगर हाँ मांगना चाहता है तो वो आपकी मोहब्बत है। अगर आप मोहब्बत को निभाना जानते हैं तो मैं आपसे मोहब्बत तलब करता हूं। कोशिश कीजिए आप कि मेरे साथ मिल करके आप आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम को एक तारीख साफ जी। तो मैं गुजारिश कर रहा हूं आप हजरात से, जितने लोग तशरीफ ले आए हैं सब अच्छे हैं और जो लोग आने वाले हैं वो लोग भी अच्छे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुझे उम्मीद है इस पैतौली की अदबी सरजमीन पे इलाके के जितने सुन्नी सहीहुल अकीदा मसलके आला हजरत से मोहब्बत करने वाले सामईन हैं बहुत जल्द तशरीफ ले आएंगे। आप तशरीफ ले आए हैं तो मैं आपके साथ शरीक होता हूं। अपने हाथों को बुलंद कीजिए और एक मर्तबा मोहब्बतों के साथ पुकारिए या रसूल अल्लाह। सारे लोग जितने सामाई बैठे हुए हैं, हालांकि दूरी ज्यादा हो गई है लेकिन मैं अभी किसी तरह खामोश हूं, देख रहा हूं कि हो सकता है कहीं इस कुर्सी को छोड़कर जमीन पे बैठने वाले लोग भी आ रहे हैं। और हम सुन्नियों का उलमाए अहले सुन्नत का अकीदा है कि जहां लोग कुर्सी वाले हैं वहां आयतल कुर्सी वाले हैं। एक शेर मैं पढ़ता हूं कि गोश्त ही अच्छा लगा न मछली ही अच्छी लगी, जिसमें था अखलाक वो सबसे बड़ी अच्छी लगी, जो है दुनियादार वो दुनिया की कुर्सी पर मरे, मुझको गौहर आयतल कुर्सी बड़ी अच्छी लगी, मुझको गौहर आयतल कुर्सी बड़ी अच्छी लगी। तो इंशाल्लाह आएंगे उलमाए अहले सुन्नत से मोहब्बत करने वाले, अपने जबान को पाक कीजिए, या रसूल अल्लाह का नारा बुलंद कीजिए, अपने हाथों को फिजाओं में लहराइए और आवाज को बुलंद कीजिए। उलमाए अहले सुन्नत की दुआएं लेकर के आगे का सफर करना चाहता हूं। पुकारे या रसूल अल्लाह।
کی، یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. اجازت دے دیجیے آپ حضرات کو میں نام کا دوش ہوں. جی 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 بالکل. فہرست ہے میرے ہاتھ میں شاعر اہل سنت حافظ محمد قاسم صاحب قبلہ مدرس مدرسہ پیکولی نرائن. میری آواز اگر آپ کی سماعت تک پہنچ رہی ہو، اگر ممبر رسول پہ نہ ہو تو تشریف ماشاء اللہ. میں ان کا بھی تہ دل سے استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، ان سے آپ کی ملاقات ہوگی. میں چاہتا ہوں علماء اہل سنت کی دعائیں لے کر کے نعت کا دو شعر پڑھوں. دو شعر بڑی سنجیدگی کے ساتھ آپ سماعت کریں گے. اس مہینے کو آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں کے سامنے میں رکھے دو شعر سماعت کر لیجیے کہ منظر بزم دو عالم دل نشیں ہو جائے گا. منظر بزم دو عالم دل نشیں ہو جائے گا، مہرباں کل خود ہی رب العالمین ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مہرباں کل خود ہی رب العالمین ہو جائے گا، آج کی شب آمنہ کی گود تو بھر لینے دو، کل ہو بچہ رحمت للعالمین ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کی شب آمنہ کی گود تو بھر لینے دو، کل وہ بچہ رحمت للعالمین ہو جائے گا. مہرباں کل خود ہی رب العالمین ہو جائے گا. سبحان اللہ. آپ کو کہنا چاہیے تھا، میں وقت ظاہر کرنا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن علماء اہل سنت سے معذرت خواہ ہوں، ابتدائی دور ہے، دو چار منٹ کر لیں. جی جی کوئی بات نہیں، میں دو چار منٹ ابتدائی دور میں دینا چاہتا ہوں. بالکل. اور یہ امید کرتا ہوں کہ میری آواز خوبصورت سامعین کی سماعتوں تک پہنچ رہی ہوگی، تو ضرور اپنے ضروریات سے فارغ ہو کر آج فیضان تاج الشریعہ کانفرنس میں تاج الشریعہ کے فیضان سے مالا مال ہونے کے لیے انشاءاللہ ضرور تشریف لے آئیں گے اور آنے والے تشریف لا بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کمیٹی کے ممبران سے میری آواز پہنچ رہی ہو تو میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ پنڈال میں تشریف لے آئے. جتنے سامعین باہر سے ہمارے مہمان تشریف لا رہے ہیں ان کی راہوں میں آپ اپنے پلکوں کو بچھائیں، جگہ خالی ہے. میں سبوں کا استقبال کرتا ہوں. نعت کا دو شعر پڑھ لیا ہوں، آپ اجازت دیں گے تو نعت کا شعر پڑھنے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ دو منٹ کے لیے بڑے پیر کی بارگاہ میں ہم لوگ حاضر ہوں. جی جی بالکل. دو منٹ کے لیے بڑے پیر کی بارگاہ میں وہاں سے فیض حاصل کر لیتے ہیں، انشاءاللہ ہمارے سینے میں طاقت آ جائے گی اور آپ کے نبضوں میں بھی انقلاب آتا ہوا نظر آئے. سبحان اللہ. علماء اہل سنت کی دعائیں لے کر کے بڑے پیر کی بارگاہ میں دو شعر کہ کوئی معمولی بنے کوئی ایازی بن جائے. بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب. کوئی محمودی بنے کوئی ایاسی بن گئے، کوئی کردار و عمل کے رن کے غازی بن گئے. ڈاکوؤں پر جب پڑی ہے غوث اعظم کی نظر، غنڈا گردی چھوڑ کر وہ بھی نمازی بن گئے. جب پڑی ہے غوث اعظم کی نظر، گنڈا گردی چھوڑ کر وہ بھی نمازی بن گئے. گنڈا گردی چھوڑ کر وہ بھی نمازی بن گئے. اب ایک شعر اور میں پڑھنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اس سلطان کی بارگاہ میں پہنچ جائے جن کی سلطانی آج سے نہیں بلکہ صدیوں سے چلی آئے. سلطان الہند خواجہ معین الدین کی بارگاہ میں میں پہنچنا چاہتا ہوں. اجازت دیتے ہیں آپ حضرات، اجازت دیتے ہیں تو خالی خالی ایسے ہی اللہ اللہ سبحان اللہ کہتے ہوئے اجازت دیجئے تو اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے لہراتے ہوئے اجازت دیجئے، بولیے یا
माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। दो शेर में पढ़ता हूँ, उसके बाद नारा लगाऊंगा और आपके इस दारुल उलूम के खूबसूरत मुदर्रिस जिनकी बारगाह में नौ निहालाने इस्लाम अपने सानवी अदब को तह करके काल अल्लाह काल रसूल का दर्स हासिल किया। शायर अहले सुन्नत मोहतरम हाफिज कासिम साहब की बला है, उनसे आपकी मुलाकात होगी। मैं इस्तकबाल करूं, नातिया शायरी समाप्त करेंगे आप। जी। मैं नारा लगाऊं, जवाब देंगे आप। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। मैं भी यही चाह रहा था। अल्लाह ताला सलामत रखे। सोच अच्छी हो तो तहरीर भी अच्छी होगी, फेल अच्छा है तो तामीर भी अच्छी होगी। मैंने कल खुद को मदीने में टहलते देखा, मियां ख्वाब अच्छा है तो ताबीर भी अच्छी होगी। मैं ये चाह रहा था। जी। तो मैं नारा लगाता हूं, वक्त नहीं है मेरे पास। अल्लाह 8:13 बज चुके। अब मुस्कुरा दिए। मैं यही चाह रहा था कि मेरे जितने भाई बैठे हुए हैं, अल्लाह मेरे दिल की बात को जानता है, बस मैं यही चाह रहा था कि आप मुस्कुरा दीजिए ताकि मैं खुश हो जाऊं। अल्लाह सलामत रखे। नारे कटवा दीजिएगा, नारे तकबीर इलाके के मसाजिद के अइम्मा हजरात तशरीफ ले आए हैं। आप अगर पिंडाल में बैठे हैं तो बराए मेहरबानी मेंबर रसूल पे तशरीफ ले आए। आपके लिए मेरा दिल जिगर सब हाजिर। आप यहाँ तशरीफ ले आए, जी। आपका मकाम ये है। दो शेर पढ़ता हूँ, मोहब्बतों के साथ ईमानदारी के साथ नारे का जवाब दीजिएगा। हजरत के मेरे भारत में कोई वार हो ही नहीं। जो लोग भारत में रहते हैं और अपने वतन से मोहब्बत करते हैं वही लोग बोलेंगे, मेरे भारत में कोई वार हो ही नहीं सकता। कोई सुन्नी जलील ओ खार हो, कोई सुन्नी जलील ओ खार हो ही नहीं सकता। और जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी से निस्बत है वो अपने मुल्क का गद्दार हो ही नहीं। सुभान अल्लाह। बहुत हो ही नहीं सकता। तो अब यहां आपको अपने मुल्क से मोहब्बत दिखाना है, अपने हाथों को बुलंद कीजिए। शायर अहले सुन्नत रोशन के जाली मुजफ्फरपुरी का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर। एक एक फर्द अपने हाथों को लहरा दीजिए, जिस तरीके से जुलूस मोहम्मदी में अपने हाथों को लहराए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसाल मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत फैजाने ताजु शरिया कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत मोहतरम रोशन के जाली मुजफ्फरपुरी।